मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाला है। उम्मीदें बजट को लेकर आम जनता की काफी ज्यादा रहती है। आम जनता से रूबरू करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें उन्होंने इस बजट से लगाई हुई है। 23 जुलाई को बजट पेश होने जा रहा है, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि महिलाओं के लिए कुछ खास इस बजट में रहने वाला है? आप बिजनेस करती हैं, आपने स्टार्टअप शुरू किया है, बिजनेस कर रही हैं, तो क्या लगता है कि बिजनेस वाली महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में? मैम, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ पूजा कपूर। आई एम प्रेजिडेंट टू रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑल्सो। देखिए मैम, जो बजट है, बजट के लिए हर साल एवरीबडी वेट्स और यही उम्मीद रहती है कि जो बजट आए वो हर क्षेत्र के लोगों को टच करे, बिकॉज बजट जो है वो बैलेंस्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, इस सरकार ने काम तो बहुत ज़्यादा किया है, स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया है, किसानों के ऊपर काम किया है और विमेन को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी बजट आता है वो एक बैलेंस्ड बजट आए, स्पेशली जब हम लोग ग्रोथ करने की बात करते हैं, विमेन को आगे लाना, उनको सशक्त करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में इतना पोटेंशियल है, मैंने देखा है इतने यंगस्टर्स हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास पोटेंशियल है, लेकिन वो कुछ पैसों की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ एज अ बिजनेस लेडी, बिजनेस वुमेन, कि कोरोना में जितना बिजनेसमैन ने सफ़र किया है आज तक वो मार झेल रहे हैं। मैंने कितने यूनिट्स देखे, कितने बिजनेस देखे जो शट डाउन हो गए, ऊपर से जो ऑनलाइन बिजनेस आ गया उसकी वजह से भी दुकानदारों को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ बजट के लिए, स्पेशली फॉर J&K, कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको जो है प्रमोट किया जाए, बिकॉज वो एक फाउंडेशन है फॉर द होल कंट्री। इकोनमी ही बिजनेसमैन के साथ चलती है, अगर आप उसको इग्नोर करोगे या बिजनेसमैन का बेनिफिट नहीं सोचोगे तो आगे बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज बिजनेसमैन ही एक ऐसा इंसान है जो 10 लोगों को आगे एम्प्लॉय दे आगे जॉब देता है, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। तो एक बिजनेसमैन है जो एम्प्लॉयज के लिए एक जॉब जनरेट करता है, जो बिना वर्किंग आवर्स देखे 12-12 घंटे काम करता है, और बिजनेसमैन के पास कोई पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट 60-70 साल के बाद जब बिजनेसमैन अपने आप में नहीं रहता, मतलब हेल्थ इश्यूज रहते हैं, उनका भी एक कोई पेंशन, कोई TDS कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि उनका जो बुढ़ापा है सिक्योर हो जाए। मिडिल क्लास के लिए मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि अगर आप चाहते हो कि मिडिल क्लास सर्वाइव करे तो आपको जो ये सिस्टम है, एक तो जेम सिस्टम और जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिस्टम चलते रहेंगे तो जो मीडियोकर दुकानदार है या मीडियम स्केल का दुकानदार है वो ख़त्म हो जाएगा। इस कारण ये दो चीज़ें, गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दो चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए, और जब ये दो चीज़ें, दोनों चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट सोचेगी तो मीडियोकर जो दुकानदार है वो अपने आप सर्वाइव कर जाएगा। अवर सोल्जर्स आर डाइंग, उसका जवाब कौन देगा? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसका जवान, इन्होंने कहा था कि सुरक्षा इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर कि इलेक्शंस भी करवा सकते हैं। अब इन इलेक्शन सुरक्षा का इतना खेद हो रही है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। बजट होता है कि एक सरकार और एक राज्य को उस तरह से पैसा दिया जाए ताकि उसकी सुविधाओं को पूरा किया जाए। मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनके बजट कोई भी ऐसे, मैं क्या बोलूँ, जब मैं बोलता हूँ ये कोई ना कोई सवाल उठाते हैं कि ये युवा हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, हमें सस्ती बिजली नहीं देंगे, ज्यादा पानी नहीं देंगे, हमारे डेली वेजेस को पक्का नहीं करेंगे, SPOs को हमारे पक्का नहीं करेंगे, तो हम आपसे क्या चाहेंगे? और आप हमें इतना कम बजट देंगे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का भी गुजारा नहीं हो सके इस बजट से, तो दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग अवर जम्मू एंड कश्मीर, दे आर डूइंग नथिंग। आई एम अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज एंटी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या लगता है कि इस बजट में क्या खास होने वाला है? कोई योजना बनाई जाएगी, कुछ खास होगा इस बजट में? मैम, जम्मू कश्मीर के जिन्ने भी बच्चे हैं ना, सारे बेरोजगार ने, और इन्हें जम्मू तो कख भी है नहीं करना है अभी, ना पिछले टाइम च किया ना आने वाले टाइम च नहीं करना। बाकी युवा बेचारे खज्जल होवा ना, सारे गै पता है, अस भी युवा, अस भी खज्जल होवा रहे हैं, और साढ़े ग्रां दे विच हर साल जिल्लै कांग्रेस की गौरमेंट हर साल अस दिखते हे
माड़े फलाने का मुड़ा नौकर होइया, माड़े फलाने का मुड़ा नौकर होइया। मैडम जी हून सुने दे कई सतियां होइया असें गी कि फलाने का मुड़ा नौकर होइया, बाकी इन्हें डेली भेज दिता है, कख नहीं किया। पीएचई बेचारे खज्जल होआ दे, हर बंदा खज्जल होआ दा। क्या लगता है कि इस बजट में खास होगा कुछ? जब बजट पेश होगा तो क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ होगा? मैम हमें नहीं लगता कुछ हो सकता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाकी ये सिर्फ बातों के महल बनाते हैं, ये बातों के महल बना के चले जाएंगे यहाँ से, बाकी जम्मू के लिए कुछ नहीं होगा। थैंक यू मैम। देखिए अगर इन्होंने बजट के लिए कुछ करना है तो 5 साल से जो इन्होंने भर्ती नहीं की, हमारे जो गांव के लड़के हैं वो तरस रहे हैं भर्ती के लिए। इतने इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उनको भर्ती करिए, वो सुरक्षा करेंगे हमारे राज्य की। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप युवाओं के साथ धोखा करेंगे और आपको आने वाले टाइम पे इलेक्शंस में दरकरार किया जाएगा। 3 जुलाई को बजट पेश होने जा रहा है, उम्मीदें क्या कुछ हैं आपको कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए जो है वो कुछ खास ऐलान किया जाएगा? महिलाओं की अपेक्षाएं तो बहुत समय से महिलाएं बार बार गुहार लगा रही हैं, एसएलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी, सरकार के आगे भी। महिलाओं की आ जाके महंगाई जो है, जो चरम सीमा पर जो आजकल पहुँच गई है, ओवरऑल महंगाई को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके, जो दवाइयाँ मेडिसन्स इलाज आज की डेट में महंगे, डॉक्टर्स को दिखाना महंगा, टेस्ट महंगे, मेडिसिन महंगी, फार्मेसी महंगी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोगों को जो आज इनकी रसोई घर में हर एक मिलने वाली जो यूज़ आने वाली कमोडिटी महंगी, चाहे वो सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, उसमें राहत चाहिए। हेल्थ सेक्टर में राहत चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में राहत चाहिए। बड़े शहरों में जाते हैं तो मीटर्स पे हर एक चीज़ ऑपरेट होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। हमारे यहाँ मनमानियों के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो नए स्मार्ट सिटी व्हीकल्स हों या पुराने व्हीकल्स हों, आज भी वो बिना मीटर के चलते हैं, तो फिर स्मार्ट कहाँ हुआ? हम स्मार्ट तो उस चीज़ को कहते हैं ना, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हैं, तो स्मार्ट तो तब होंगे जब स्मार्टली ऑपरेट होंगे। तो अगर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपनी मनमर्जी से पैसे लेती है, मीटर सिस्टम पे नहीं लेती, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में राहत चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में राहत चाहिए। आज अच्छे कोई भी एक माँ बाप जो है वो ख्वाहिश करते हैं हमारा बच्चा कल को देश की सेवा करेगा, महान नेता बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस में जाएगा, फौज में जाएगा। पहले तो खैर ये स्कैम्स ही नहीं उनको जीने देते, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में, उसके ऊपर राहत चाहिए। ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो मिडिल क्लास फैमिली को खुश जरूर कर सकती है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, रसोई आप संभालती हैं, तो किस प्रकार की आपको उम्मीद है कि रसोई को लेकर जो है वो आपके लिए कुछ ऐलान किया जाएगा महिलाओं के लिए? रसोई ये जाने महंगाई बड़ी है कि जरा 400 रुपये का सिलेंडर हा वो 1100 का है, गरीब बंदा भराई सकता नहीं भराई सकता, कि हर चीज महंगाई च है, गरीब बंदा नहीं बच्चे पढ़ाई सकता, कोई समझ कर सकता नहीं। इस तो इस बजट से उम्मीद है आपको? हाँ जी। आप भी रसोई संभालती हैं तो क्या किस प्रकार का देखती हैं, महंगाई जो बढ़ रही है तो क्या लगता है कि रसोई को लेकर आपके लिए क्या कुछ ऐलान किया जाएगा? हमें तो यही है कि हमारा जो सिलेंडर इतना महंगा हुआ है उसको थोड़ा कम किया जाए, राशन महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, हम महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है बजट चलाना घर का, ये थोड़ा काम करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई की ट्यूशन फीस, स्कूल की फ़ीस, ये काम होनी चाहिए। लेडीज़ के लिए ये सर्विस है, ऑटो सर्विस वगैरह, ये काम होनी चाहिए, रेट्स कम होनी चाहिए इसी के लिए सर। अब टैक्स को लेकर क्या कहेंगी, क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ टैक्स में जो है वो छूट दी जा सकती है, उम्मीद है आपको इसको लेकर क्या उम्मीद करती हैं आप? टेस्ट तो होने चाहिए कम, जैसे महंगाई बढ़ रही है आपके लिए तो होना ही चाहिए। सरकार जो है वो नौकरी के साथ साथ महिलाओं के खुद के स्टार्टअप करने के लिए भी विशेष पैकेज, क्या लगता है कि उम्मीद है कि विशेष पैकेज जो है वो दे सकती है? महिलाओं को पैकेज देना चाहिए, महिलाएं भी घर से बाहर निकले, अपना कुछ काम करें, उसके लिए भी करना चाहिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़े महिलाएं। जी आपको क्या लगता है? पहले बहुत सारे प्लान्स गवर्नमेंट ने लाए, देने नहीं चाहिए, आप पूछ रहे हैं देने चाहिए, चाहने के साथ साथ उसकी ग्राउंड में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पहले भी ये स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितनी बहनें हमारे पास आती हैं जिनकी कागजी कार्रवाई इतनी लंबी लंबी रख देते हैं, वही नहीं पूरी होती, तो फिर वो जो है स्कीम्स की फ़ायदा क्या? तो ऐसी पीपल फ्रेंडली स्कीम्स होनी चाहिए जो अचीव होना भी उन औरतों को आखिर वो मिले भी। पहले बोलेंगे आप लोन लीजिए, लोन के ऊपर मॉर्टगेज क्या रखाएंगी वो बेचारियाँ, तो मॉर्टगेज के बिना बैंक लोन नहीं देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो स्कीम्स ऐसी बने जो एक्चुअल में उसको लाभ मिले, वैसी स्कीम्स जो हैं बननी चाहिए, और ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी मॉनिटर होनी चाहिए कि कितने बच्चों को, कितनी बहनों को वो लाभ मिला। ठीक है,
और रसोई आप संभालती हैं तो किस प्रकार की राहत की मांग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई समय बढ़ रही है, तो किस प्रकार की राहत की मांग है, उम्मीद क्या है आपको इस बजट को लेकर? कोई उम्मीद नहीं है मैडम जी, बच्चे भी बेरोजगार हैं बेचारे, तो हूँ अस जो सियाने बजुर्ग हैं वो घर आए दिन तो सब कुछ मुंडे लिया खाना पौंदा है, कुछ भी नहीं है जी है, तो महंगाई से है महंगाई कम होनी चाहिए थोड़ी जी, महंगाई भी कम होनी चाहिए है, और रिश्तेदारी दूआ त्रिया कुछ रसोई का खर्चा पूरा करना है जी, वो तो बड़ा मुश्किल है। तो कोई उम्मीद नहीं है बजट से? अजय तो कोई उम्मीद नहीं है, वो सोया तो करना चाहिए था। और तो कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है महंगाई को लेकर? हमें महंगाई तो बड़ी है, ये सारा गुजारा नहीं होता है कुछ भी, और रसोई बच्चे जाओ तो सब चीज़ें चाहिए, तो रसोई बच्च मतलब अस कर सकने हैं, तो सानू इस वेले गंढा प्याज मतलब कि आलू प्याज किन्ने महंगे होई गए ने, अस गरीब तो भी नहीं लेइए खाई सकते तो नहीं कुछ भी है ना, हूँ सानू राशन जो मिलता है जिते 35 किलो राशन सानू मिलता, हूँ सानू 5 किलो आटा मिलता है, 2 किलो चावल मिलते हैं, तो वो सारा गुजारा होता है, सारा कोई गुजारा नहीं होता, अस मुल्ले फिर भी ब्लैक लेइए खा करने हैं, तो ब्लैक भी कुत्थों लेचे अस है ना जी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है क्या लगता है कि सरकार को क्या और करना चाहिए, क्या इस बजट में ऐसा होना चाहिए कि महिलाएं जो है वो सशक्त हो सके? महिलाएं काम करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, 100 रुपया किलो टमाटर हो गया, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, उसका रेट कम करना चाहिए। जो योजनाएं दी गई हैं पीएम आवास योजना हो गया, साथ ही साथ आयुष्मान भारत हो गया, तो क्या लगता है कि और सरकार को और क्या क्या योजनाएं लानी चाहिए ताकि महिलाएं जो है वो सशक्त हो सके? महंगाई बहुत है, 100 रुपया किलो, 80 रुपये किलो टमाटर ने, 50 रुपये किलो गंढे ने, 30 रुपये किलो आलू ने, होते रसोई जाना 50 तो रसोई जाना होता सब कुछ चाहिए, गरीबी बहुत है। 3 जुलाई को बजट पेश होने वाला है, आम जनता की बेहद उम्मीदें रहती हैं इस बजट से, आपकी क्या कुछ उम्मीदें? देखिए उम्मीदें तो सभी खासतौर पर बिजनेसमैन हैं जो उनसे रिलेटेड ही होता है बजट, क्योंकि टैक्स लगते हैं, टैक्स बढ़ते हैं, टैक्स कम होते हैं, ये चीज़ें तो होती होती हैं, लेकिन वो टैक्सों के साथ साथ अगर आप जम्मू के भविष्य को देखें तो जम्मू का भविष्य आस्ता हम देख रहे हैं कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत कम होता जा रहा है, यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, खासतौर पर अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री को देखें तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कश्मीर के लिए तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन अगर जम्मू को देखें तो पिछले 20-25 साल हो गए मुबारक मंडी बनते हुए, अब वो हमारी जितनी द्रोहरें हैं उनके लिए विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में जो जितनी द्रोहर हैं जो खास होते हैं जम्मू में, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, कितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होंगे, ये कोई समय सीमा तो है ही नहीं, यहाँ पिछले 25 साल से वो कार्य चल रहा है, और अगर आप देखें तवी लेक का तो तवी लेक कब से चल रही है, रही बात बजट के अंदर हमारे जम्मू के जो युवा लोग तो यही एक चीज़ तो लेके चलते हैं कि जम्मू का जो विद्यार्थी है वो पढ़ने के लिए हर बार बाहर जा रहा है, चाहे वो इंजीनियर है चाहे वो डॉक्टर बनता है, तो वो बाहर की तरफ भागता है, जम्मू के अंदर अब जैसे एम्स बना है नो डाउट, अब कब से काम शुरू होगा उसके बारे में कुछ समय सीमा निश्चित नहीं हुई, लेकिन इसके साथ कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं जम्मू के लिए, और एक चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आप कंपैरिजन करें कश्मीर के और जम्मू के अंदर, वहाँ 5 हैं यहाँ 2 भी है, तो इसी तरह से जम्मू के अंदर भेदभाव आज से नहीं बड़ी देर से चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जितनी ऐसा इस बजट में होना चाहिए जिससे जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता को एक संतुष्टि मिल सके, आम जनता जो है वो आनंद से काम कर सके। देखिए जो जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ अपना स्किल बनाऊँ, अपना एक व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी इंडस्ट्री को वो बूस्ट करना चाहता है, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर हो तो चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पर हो, लेकिन जम्मू के अंदर अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को देखना है तो जितने व्यापारी लोग हैं वो ज़्यादा ही परेशान हैं, उसका विशेष कारण रहा है कि जम्मू के साथ जहाँ जब माता वैष्णो देवी की यात्रा तो चलती थी, लेकिन जो अमरनाथ यात्रा पर उनका बड़ा फोकस रहता था, अब अमरनाथ यात्रा के लिए कितनी फैसिलिटी यात्रियों को तो मिले, लेकिन जम्मू के लोगों को इस तरह से इग्नोर हो गए, वापसी जम्मू में आते नहीं लोग, अब रही व्यापारियों की बात, कितना पैसा कितना राजस्व व्यापारी एकत्रित करके देते हैं, तो क्या जम्मू के व्यापारियों के लिए भी कोई आरक्षण की नीति है, कोई 2% 5% कहीं जो रेलवे में हो एयर में हो या उनके लिए कोई और व्यवस्था छूट हो, जो इतना पैसा इकट्ठा करके देते हैं बिन तनख्वाहों देते हैं, क्या व्यापारी लोग इस चीज़ के हक नहीं रखते? पूरे भारतवर्ष के अंदर जितना व्यापारी है वो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता है, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई सहानुभूति छोड़ के किसी चीज़ का भी कभी जिक्र ही नहीं। सर इस
आम बजट से क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? जो भारत का आम बजट पेश होने जा रहा है 23 जुलाई को, क्या उम्मीदें रखते हैं आप कि इस बजट में खास तौर पर क्या कुछ मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है वो सामने आएगा? मैम, जैसे कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन के बाद सरकार आई है, हर किसी की उम्मीद होती है कि इलेक्शंस के बाद बजट आए और खासकर मिडिल क्लास के लिए। आप देख रहे हैं कि जैसे इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज़ हैं, बिजनेस के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है, ट्रेडर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, एमएसएमई आया वो सब इंडस्ट्री के लिए है, ट्रेडर्स के लिए कुछ भी नहीं है। स्लैब्स कम होनी चाहिए खासकर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है उसे मिडिल क्लास लोग जो हैं वो बहुत ही परेशानी में है, हर तरफ से परेशानी है। GST हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स बिजनेस क्लास दे रहा है, उसके लिए कोई पॉलिसी आज तक नहीं बनी है, कोई नई मार्केट्स डेवलप नहीं हुई है, कोई नया काम करना चाहता है पहले उसको 10 तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट की हो, चाहे लाइसेंस लेने पड़ते हैं हर एक चीज़ के लिए, उनको बैंक्स के लिए उनको आगे पीछे घूमना पड़ता है, जब तक वो फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी नहीं हो उनके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। उसको सरकार को थोड़ा सीमित करना चाहिए और एक इजी वे करना चाहिए कि हर एक जो बिजनेस नया करना चाहता है कि वो इजी वे से अपनी दुकान स्टार्ट करे, ना कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ में पड़े। हम तो चाहते हैं कि बजट तो आना है, सरकार बनी बजट आना है, हमारी खास जो प्राथमिकता होती है वो बिजनेस क्लास ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि हम भी ट्रेडर्स हैं, हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास ट्रेडर्स के लिए एक इजी वी होना चाहिए और स्लैब्स होनी चाहिए हर एक चीज़ में उनके लिए कि वो इजी वे करें। कोई पॉलिसी आज तक कभी भी ट्रेडर्स और बिजनेस के लिए आज तक कभी कोई पॉलिसी नहीं आई, जो भी पॉलिसी है सारी इंडस्ट्री के लिए हैं, हर एक चीज़ इंडस्ट्री को दी जा रही है, नई जगह उपलब्ध उनको करवाई जा रही है, हर एक चीज़ उनको, ट्रेडर्स बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं है। आप अगर हम बात करें जम्मू की, आज 70 साल पहले एक मार्केट डेवलप की गई थी जम्मू में, तब से लेके आज तक कोई मार्केट गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप नहीं की गई है, और फिफ्थ जनरेशन्स जो हैं वो अब आज तक उन 70 सालों में अपनी दुकानों पे बैठी हुई हैं, और अगर वो कोई दो ब्रदर्स थे, उनकी दो फैमिलीज आगे फैमिलीज बड़ी, फिफ्थ जनरेशन आप खुद काउंट कीजिए कि हो सकता है एक दुकान पे पांच भाई बैठे हों। क्या गवर्नमेंट को ये नहीं है कि वो भी इस चीज़ को करे कि एक मार्केट डेवलप करे ना? तो बजट से आम जनता को बेहद उम्मीदें होती हैं, ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, काफ़ी उम्मीदें होती हैं। आपको क्या उम्मीद है बजट से कि 23 जुलाई को जब बजट पेश होगा तो तब आपके लिए जो है वो क्या ऐलान किया जाएगा ऐसे जिससे आपको जो है वो खुशी मिलेगी? देखिए, बजट से तो हर आम जनता को, व्यापारी हो, इंडस्ट्रीज हो, कोई भी हो, हर आदमी को बजट से बहुत उम्मीदें होती हैं। तो इस बार जो हमारा J&K स्टेट का बजट है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही पेश होगा, और जो न्यूज़ वगैरह में सुनने में आ रहा है कि इस बार जो J&K के लिए स्पेशल बजट 1,00,000 करोड़ रुपये के करीब होने जा रहा है जी। तो हमें लगता है कि इस बजट से जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो विकास के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और जैसे हमारा पंच रजौरी के अंदर एक रेलवे लाइन की डिमांड है, इसके ऊपर भी कुछ का काम होगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे पंच रजौरी जो राजमार्ग बड़ा हो रहा है इसके ऊपर भी तेज़ी आएगी, और जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें, जम्मू शहर की बात करें, तो इसके अंदर जो हमारे हेरिटेज के प्रोजेक्ट्स हैं जो पैसे की कमी के कारण रुके हुए हैं या बड़े ही धीमी गति से चल रहे हैं, इनके लिए भी कुछ प्रावधान रखा जाएगा ताकि इन प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा किया जाए, और जो बाहर से टूरिस्ट जो वैष्णवी माता के दर्शनों के लिए यात्री आ रहा है वो एक दिन के लिए जम्मू जरूर रुके। और दूसरी चीज़ जो बजट से आम जनता के हिसाब से हमें लग रहा है कि टैक्स में इसमें छूट बढ़ेगी, इनकम टैक्स के अंदर छूट बढ़नी चाहिए, ATC ATD और जो डिडक्शंस हैं इनके अंदर भी गवर्नमेंट को छूट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज आप देखें जो जैसे मेडिकल है 25,000 रुपये तक का आप छूट देते हैं, अगर आप फैमिली की अगर आज जो मेडिकल के खर्चे हैं वो 5-10 लाख रुपए से कुछ नहीं बनता, अगर किसी को परेशानी आ जाए
तो बहुत पैसा चाहिए होता है, तो वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम ही बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उसके लिए भी मतलब अगर छूट्स को बढ़ाना देना चाहिए, जो बचत है 1.5 लाख रुपए तक थी उसको भी बढ़ा के उसके अंदर भी छूट बढ़नी चाहिए। और एज ए व्यापारी मैं यही कहूँगा कि इंडस्ट्रीज़ को जैसे यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज़ के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ऐसे ही व्यापारी वर्ग के लिए भी नए जो हैं व्यापारिक जो हैं व्यापार बाज़ार बनाने चाहिए। आप देखें जैसे कनक मंडी है, वेयर हाउस है या रुनाब बाज़ार, ये बहुत पुराने बाज़ार हैं। यहाँ पे जो लोग होलसेल का काम करते हैं इनके लिए नई होलसेल की मंडियाँ बनानी चाहिए ताकि ये लोग अपने गोडाउन्स को वहाँ पे शिफ्ट करें और अपने जो ऑफिस हैं ये पुराने शहर में रखें। और इस बजट के अंदर हमें ये भी उम्मीद है कि जैसे गवर्नमेंट जो रूरल लोगों के लिए हाउसिंग के लिए फंड्स दे रही है, वैसे जो अर्बन एरियाज के अंदर जो लोग हैं। भारत के आम बजट से क्या उम्मीद करते हैं आप, कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नया ऐलान किया जाएगा, कुछ खास ऐलान किया जाएगा? नमस्कार जी, मैं राजीव गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कनक मंडी ट्रेडर्स। बजट से हमें बड़ी आशा है इस बार कि गवर्नमेंट हमें कम से कम रिलैक्स करे, जो हमारे टैक्स के पिछले रिजीम चल रही है उसमें हमें रिलैक्सेशन मिले। और सबसे बड़ा मुद्दा, हमें पिछले साल जो हमारे ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो एक नया रूल आया MSME का, उसमें हम चाहते हैं कि हमें यहाँ इसमें रिलैक्सेशन मिले, उससे हमारा बिजनेस बहुत सफ़र हो रहा है। पिछले साल से इस MSME से आने से हमारा बिज़नेस काफ़ी डाउन हुआ है। इस बजट से हमें यही आशा कर रहे हैं, हमने बहुत उम्मीदें लगाई हैं कि हमें इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी और हमें जो इसमें टैक्स में भी कुछ रियायतें मिलेंगी। व्यापारी जगत को हमारे पूरे व्यापार में इस वक्त पूरी आंखें लगाकर बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलैक्स किया जाएगा, और बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं हम इस वक्त। इस प्रकार से आपने MSME की बात की है, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं तो क्या उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी उस बजट में, क्या आप व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स के लिए कुछ इस प्रकार का होगा? देखिए जी, पिछले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी जैसे नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आएगी तो उसमें हम ये जो हमारा इसको सारे व्यापारियों से डिस्कस करके हम इसमें रिलैक्स करेंगे। अभी हमें बहुत उम्मीद है कि हमें इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी ताकि हमारा काम थोड़ा सा स्मूथ चल सके। पिछले दिनों से हम इस वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं, खासकर हमारा ट्रेड इस MSME के जरिए बहुत सफ़र कर रहा है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या लगता है कि कुछ ऐलान किया जाएगा ताकि, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं। देखिए मैडम, हर इंसान को, मिडिल क्लास हो या व्यापारियों, हर बंदे को ये रिलैक्सेशन की गवर्नमेंट से उम्मीद है कि हमें थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई, क्योंकि महंगाई भी बड़ी ऊपर जा रही है। घर की गृहणियों का, उनका भी ये उम्मीद है कि थोड़ा सा घर की चीज़ों में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, हमें टैक्स रिजीम में थोड़ी सी रियायतें मिलेगी। सब इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और हमें आशा है कि गवर्नमेंट हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। ये जो बजट है, अब इलेक्शन के बाद इस साल का बजट जो आ रहा है, जो 23 जुलाई को हमारी गवर्नमेंट पेश कर रही है, इससे ना सिर्फ बिजनेसमैन को, इवन कि सर्विस क्लास को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हर चीज़ की रेट्स बहुत बड़े हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों का घर चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो सभी चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास से हो चाहे वो सर्विस क्लास से हो, कि कब से कब कुछ ऐसी रियायतें मिले जिससे उनका घर का बजट और बाकी दूसरे खर्चे आराम से निकल जाएं। सर्विस क्लास और बिजनेस सबसे पहले तो यही चाहेगी कि इनकम टैक्स स्लैब जो है बढ़े, उसके बाद जो उसमें एग्जम्पशंस आती है ATC वगैरह, उसकी भी लिमिट बढ़नी चाहिए। आज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अब 1.5 लाख की लिमिट जो है वो सफिशेंट नहीं है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं चीज़ों के भाव भी कम होंगे और भी रियायतें मिलेगी, चाहे लोगों की जिंदगी जो है खुशहाल हो। भारत के आम बजट से हर एक व्यक्ति उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके लिए एक खास ऐलान किया जाएगा इस बजट में। हर एक सेक्टर, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, महिलाएं इस समय उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि कहीं ना कहीं इस बजट में जो है वो उनके लिए खास ऐलान किया जाएगा। और बातचीत हमने की, अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, महिलाओं से बातचीत की और कितनी उम्मीदें इस समय बजट से लगाई हुई है। 23 जुलाई को यह बजट जो है वो पेश होने वाला है, 2024-2025 जो कि भारत का ये आम बजट है,
है और हर एक सेक्टर, हर एक व्यक्ति इस समय उम्मीद लगाकर बैठा है कि उनके लिए खास ऐलान किया जाएगा। कैमरा पर्सन शमिता के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।